हरदोई मतदाता जागरूकता अभियान का सबसे ज्यादा असर इस बार युवा वर्ग पर दिखता नजर आ रहा है। यूपी में 11 एमएलसी सीटों पर हो रहे चुनाव सुबह 8 बजे से शुरू हो रहे हैं। एमएलसी खंड स्नातक और शिक्षक पद के लिए मतदान हो रहा है। आपको बता दें, मतदाता जागरूकता अभियान का असर युवा वर्ग पर देखने को मिल रहा है। इसका उदाहरण कछोना के मतदान केंद्र पर साफ दिखाई देता नजर आया, जहां पर एक नव वधु शादी के मंडप से उठकर मतदान करने के लिए पहुंची और मतदान करने के बाद विदाई की रस्म निभाई। नव वधु ने कहा कि मतदान करना सबका अधिकार है, पहले वह मतदान करेगी, उसके बाद वह अपने ससुराल जाएगी। यूपी में 11 एमएलसी सीटों पर हो रहे चुनाव आज सुबह से शुरू हो गए हैं। एमएलसी खंड स्नातक एवं शिक्षक पद के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदाता जागरूक अभियान सबसे ज़्यादा इस बार युवा पीढ़ी में देखता नजर आ रहा है, जिसका उदाहरण हरदोई के कछौना के मतदान केंद्र से दिखता नजर आया है। ये एक नववंत शादी के मंडप से उठकर पहले मतदान करने के लिए अपने बूथ पर गई और उसने अपना अधिकार बताते हुए बताया कि वह पहले मतदान करेंगी, उसके बाद अपनी ससुराल जाएंगी। हरदोई से अभिनेंद्र सिंह, Live24 उत्तर प्रदेश। आप शादी के मंडप से उठ के आई हैं, मतदान पहले जरूरी है, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहती हैं अन्य लोगों को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिनका भी मतदान है वो अपना अपना मतदान करें, सबको अपना मतदान करना चाहिए।